हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल सेनाभ्यास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर सच ऑनलाइन कंसाइज क्लासेस। हियर आर द आंसर्स फॉर द मराठा वीडियो एंड इफ यू हैवंट सीन द वीडियो येट प्लीज क्लिक ऑन द लिंक अबव। जय हिंद, मेरा नाम है राजीव यादव और आप मुझे सुन रहे हैं सेनाभ्यास के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मराठा शुरू किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शॉर्ट और कंसाइज वीडियो लेक्चर सीरीज में शुरू किया था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया से, और अभी हम पहुंच गए हैं मराठास पे। तो कल के लेक्चर में हमने शुरू किया था कि सारे के सारे मराठा सरदार पढ़े हमने, जिसमें साजी भोसले, शिवाजी और बाकी के पढ़े। आगे के आने के बाद अगले उसी सीरीज में आगे हमने पढ़ा मराठा कॉन्फिडरेसी के बारे में, हमने पढ़ा पेशवा सिप के बारे में और पेशवाओं के बारे में, बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। अब कुछ चीजें जो आज की क्लास में करनी है वो है एंग्लो मराठा वॉर। तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए, मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीन युद्ध हुए। उन तीन युद्ध को, उन तीन वॉर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला वॉर, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसमें क्या हो रहा है? पहले तो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1775 से 1782, 1775 से 1782 के बीच में होता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध। कारण क्या था? कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे नारायण राव के पेशवा बनने के बाद सारी उम्मीदें रघुनाथ राव की टूट जाती हैं, क्योंकि माधवराव को खत्म किया जाता है, फिर उनकी मौत की जाती है, उनको मार दिया जाता है एक इस लालच से कि हो सकता है माधवराव के बाद वापस से हम पेशवा बने, और ये किसकी सोच है? रघुनाथ राव की। लेकिन होता क्या है कि नाना फडणवीस जो है वो नारायण राव को पेशवा घोषित कर देते हैं, तो उम्मीदें सारी टूट जाती है रघुनाथ राव की। अब रघुनाथ राव क्या करेंगे? What will रघुनाथ राव डू नेक्स्ट? ये जाएंगे ब्रिटिश के पास और मदद की उम्मीद करेंगे कि ब्रिटिश उनकी मदद करें। ओके, इसके बदले में रघुनाथ राव ब्रिटिश को सलसेट और बसीन देने की घोषणा करते हैं कि आपको सलसेट और बसीन दे दिया जाएगा, बदले में आप मेरी मदद करो। तो ये कारण था पहला एंग्लो मराठा वॉर का, जिसमें ब्रिटिश रघुनाथ राव के रिक्वेस्ट करने के बाद इस युद्ध में शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा आंग्लो मराठा युद्ध। कुछ किताबों में इसकी डेट 1803 से 1806 दी गई है, जबकि गूगल वेरीफाई मैंने किया तो उसमें 1803 से 1805 है। तो लगभग 2-3 साल ये युद्ध चल रहा है। तो आपको मैंने दो डेटें इसीलिए मेंशन की है कि 1803 से 1806 मेरे हिसाब से ये वाली डेट ज्यादा सही है, लेकिन 1803 से 5 चूंकि गूगल पे दिखा रहा था तो मैंने दोनों डेट्स आपको वेरीफाई करके सामने प्रस्तुत किए। ध्यान रहे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश जो है एक मौका तलाश रहे थे मराठाओं के मसले में घुसने का, वो उनको रघुनाथ राव ने थमा दिया, सौंप दिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये तीन बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी हैं। अगर हम इसको पॉलिटी से कनेक्ट करें तो कुछ एक्ट पास होते हैं पॉलिटी में, उन एक्ट के हिसाब से कभी बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सॉरी बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है वो इन दोनों प्रेसिडेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा पावर उसके पास आ जाती है, मतलब वो अंडरमाइन कर सकती है बंगाल प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को। कौन सी प्रेसिडेंसी? बंगाल प्रेसिडेंसी। पर होता क्या है, ये अगर बंगाल प्रेसिडेंसी से कोई ऑर्डर इश्यू होता है, जारी होता है रघुनाथ राव को, तो इसके लिए उस पे डोमिनेट कर सकती है बंगाल प्रेसिडेंसी। मैं आपको इस मसले में क्यों नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम ऑफलाइन क्लास में प्रॉपरली डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि जो ऑर्डर बंगाल प्रेसिडेंसी ने अंडरमाइन किया करके इश्यू किया किसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी पहले ही संधि कर चुकी है। अब बाद में संधि करनी पड़ेगी किसके साथ? बंगाल प्रेसिडेंसी के पास, क्योंकि इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। तो आपको यह ध्यान रखना है पहले एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 1775 से 82 के बीच में होता है, इसमें
सनसेट और बसीन ब्रिटिश को देने की हमी भरी जाती है जिसके द्वारा रघुनाथराव के द्वारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1803 से 1806 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पेशवाशिप है या पेशवा वॉज मेड सब्सिडरी अलायंस, पेशवा के साथ एक सब्सिडरी अलायंस हो जाती है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये पॉलिसीज है ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शॉर्ट में डिफाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के पास। ओके, सब्सिडरी अलायंस ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि वो सारे किंगडम्स, वो सारी देसी रियासतें, वो सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनको थ्रू वॉर डिक्लेयर करके या डायरेक्ट कन्फेडरेशन से या डायरेक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ा नहीं जा सकता था, उसको इन पॉलिसीज के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। कैसे, कोई भी देसी रियासत जो सब्सिडरी अलायंस पर संधि करेगी या जो सब्सिडरी एलाय बनेगा ब्रिटिश का, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। शॉर्ट में समझाता हूं, तीन चार पॉइंट ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, उस देसी रियासत को अपने किंगडम में ब्रिटिश की एक सैनिक टुकड़ी को स्टे कराना पड़ेगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट उसी देसी रियासत में रहेगा जिसको सारी चीजों की खबर होगी, जिन चीजों की खबरों के बारे में वो अवगत कराएगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा उन सिपाहियों का, उस सैनिक टुकड़ी का जो भी खर्चा होगा उस रियासत को करना पड़ेगा। किसी भी आसपास की प्रिंसली स्टेट से या फिर किसी और हुकूमत से, किसी और राजसी परिवार से कैसे भी कोई संबंध स्थापित करने के लिए भी इनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये किसी के साथ मैरिज अलायंस बिना उनके परमिशन के नहीं कर सकते, और बाकी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी रखने के लिए इनको इजाजत लेनी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक तरीके से इनकी जो फ्रीडम है ये खत्म हो जाती है, और ये फ्रीडम पूरी तरीके से गायब। आप ये समझ लो कि एक राजा, एक देसी रियासत जो एक मर्तबा साइन कर ले सब्सिडरी अलायंस, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रही अब। तो इसीलिए सारी रियासतें कतराती थी इनको साइन करने में सब्सिडरी अलायंस के अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, कुछ एक दो पॉइंट और है, वैसे मैं शॉर्ट में खत्म करना चाह रहा था, पर सुन लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ब्रिटिश मदद करेंगे बदले में उस देसी रियासत के किसी और के द्वारा उस पर हमला करने की कंडीशन में, जो कि हमला होना नहीं है। तो एक तरीके से पूरा बर्डन भी है खर्चे का और इंडिपेंडेंस को भी खो देना है सब्सिडरी अलायंस का। मतलब कुछ मैंने नाम लिए, मैसूर, अवध, पेशवा, जोधपुर एंड जयपुर, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस पे हस्ताक्षर किए और एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सब्सिडरी अलायंस बन गए। एक और पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत कोई भी जो रियल उत्तराधिकारी नहीं है, जो वास्तविक पुत्र नहीं है उस देसी रियासत का, उसको छीन लिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा ब्रिटिश हुकूमत के साथ। इसमें कुछ एग्जांपल है, सतारा, संबलपुर, झांसी, जो कि आप सब जानते हैं और बहुत ज्यादा फेमिलियर है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, जिनके पास दत्तक पुत्र था और उनके साम्राज्य को, उनके किंगडम को, झांसी को छीनने के लिए ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। ओके, ये हुआ हमारा ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में जिसके तहत सब्सिडरी अलायंस बना दिया जाता है पेशवा को सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। आते हैं सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1818, इसको पिंडारी वॉर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पिंडारियों का जो इश्यू था उस इश्यू का बहाना लेके, पिंडारियों के इश्यू का बहाना लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन युद्ध छेड़ा है मराठाओं के साथ। या आप यूं कह सकते हैं कि वो एक बहाने की तलाश कर रहे थे, जो बहाना उनको मिला पिंडारियों के इश्यू से। अभी पिंडारी क्या है, पिंडारी जो है वो मराठाओं के साथ मिलके लड़ते हैं, उनका सिर्फ एक गेन होता है मॉनिटरी गेन। युद्ध के बाद जो भी लूटा गया माल होता है, जो भी वार बूटी होता है, उस वार बूटी को, उस लूटे गए माल को मराठा सरदार इन पिंडारियों में वितरित करते हैं और वो उसके बाद सैनिक टुकड़ी का हिस्सा नहीं रहते। अगली बार जब दोबारा फिर युद्ध होगा पिंडारी फिर आएंगे, शामिल होंगे, और इसी तरीके से उनका सिर्फ एक मॉनिटरी फायदा होता है। पिंडारियों का इश्यू लेके तीसरा एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिश के द्वारा लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप खत्म हो जाती है और एबोलिशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी थी दोस्तों। ये था एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ वो। अब जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक
दृष्टिकोण से, जो दृष्टिकोण आज है कि हम शॉर्ट और कंसाइज वीडियो लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा हमारी कोशिश ये है कि वो बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते हैं और जो जो फ्री में घर बैठ के एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस सेनाभ्यास की तरफ से उनके लिए एक सौगात है कि आप कुछ छोटी छोटी वीडियोज के थ्रू भी बिना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ से पूरी तरह फ्री है, जिसको आप जिसका फायदा उठा सकते हैं छोटे लेक्चर्स के साथ। इस एंग्लो मराठा वॉर में आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने तीन मराठा वॉर पढ़े। अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। ये था छोटा सा एक व्यू। जुड़े रहिए इस सेनाभ्यास एजुकेशनल चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू रखना, और हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो बैकलियर क्वेश्चंस भी हैं और आपके लिए आगे के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उन सवालों के जवाब अगली वीडियो में शुरुआत में आपको दिए जाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, जुड़े रहिए मुझसे। मैं हूं आपका एडुकेटर राजीव यादव। थैंक यू वेरी मच। स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड टू सेनाभ्यास एजुकेशनल चैनल। जय हिंद।